ये रहे हमारे पान। कितना है? पैन बिस्किट। हेलो पैन बिस्किट के मम्मी। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त वारिस सिद्दीकी। तो मेरे यूट्यूब चैनल वारिस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। डेडे नाइडे तो सब जने आवारा गर्दी कर रहे, गाड़ियां उड़ा रहे, गाड़ियां भगा रहे। अच्छा, अपने से तो नहीं होता, अपने पास कार है, अपने को चलाने बराबर आता नहीं। जलवा है हमारा। तो मैं बोला हमारे अम्मू भाई को, भाई मैं बाजू को बैठता हूँ, कहीं भी दूर ले जाके चाय वे पिला के ला। बोलते अम्मू भाई, बोले भाई तो देखो गाइस नीलापुर में कितना किराड़ है, यहीं पी लेंगे वो रम। बाबू राव सेठ के पूरे थैलियां भर गए कमाते कमाते, अपने पूरे जेबा खाली हो गए चाय पीते पीते। अरे पैसे की सूरत नको देखो इस्माइल भाई, इज्जत का सवाल है। तो हम लोग आप जा रहे संगारेड्डी को, कई के वास्ते जा रहे हो? तो चाय पीने के वास्ते जा रहे, गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डलेंगे। इतनी महंगी चाय पीने से अच्छा हूँ की 10 की चाय पी लेना। पूरा लंगा कर दिए बाबू राव सेठ हम लोग को चाय पिला पिला के, 120 की एक चाय दे रहे। वहाँ जाके 100 रुपए में 4 जने चाय पी लेते, चीनी को थोड़ी थोड़ी डाल के दे देते। मैं नहीं मानता। ड्राइवर चेंज हो गया भाई, बोले दीदी बहुत हंस रहा, इसको वहाँ ले जाके दूंगा। हाँ कहाँ भैया? मौसखा है, रिंग रोड चलेंगे गाड़ी। बस है भैया, आ लियो हूँ लो, मौसखा है। पेट्रोल लीटर डालो भाई। तो पेट्रोल आपका भाई बहुत दिनों के बाद आया। भाई आप लोग घर में बोले नहीं बोले, बस बोल के मैं को बोलो भाई घर को वापिस आ गए जाते हो भी मालो। हाँ बोल लो, वो भी जाओ बैगन के बाल जाओ। इसी हालत में पुलिस को कभी आते पर आते आते हाँ, क्या मतलब घर को तो आते हैं, कैसे आते हैं वो तो अपने को भी नहीं मालूम। आगे जा रहे तो सही, ऑटो का है सीधा हेलम पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए। कहाँ पर बोले तो संगारेड्डी से थोड़ा बहुत पहले है, झारखंड से अपने बहुत बोले तो एक 30-40 किलोमीटर होता। अच्छा बता रहा हूँ, देखो दिन में रात में सब ले रहे। ये देखो यहाँ से देखिए होटल द पैलेस। कुत्ता पढ़ने आता था ना तो आज ये होटल का मालिक मैं रहता था गाइस। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। उतने भी अमीर नहीं है बन, चुप आ जाते समझो, गरीब बता दो आप लोगों को। चीनी का रिएक्शन देखो। चीनी आपके डैडी भी देख रहे थे व्लॉग्स। हाय डैडी बोलो। से हाय डैडी बोलो। डैडी रेहान भाई पलम्बर के काम पे। रेहान भाई भी पलम्बर के काम पे, रेहान भाई भी पलम्बर का काम सिखाना है। वाली साहब का हाथ बटाते हमारे रेहान भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इनको रेहान भाई क्यों बोल रहा हूं बोले तो इनके वाली साहब भी देख रहे हैं। तो गाइस गाड़ी पीछे पार्किंग हो चुकी है, यहाँ पर पार्क कर दिए। तो यहाँ से अंदर जाएंगे अपन। अंदर जाके क्या है, पूरे फैमिली अपन जान भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जबरदस्त प्लेस पे जाते हैं। देखो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये रही होटल द पैलेस, सकते आप लोग माशाल्लाह। वहां पर एक्सरिंग मिल रहा, तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम चाय लेंगे, वहां पर मस्करा पना चल रहा। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? पैन बिस्किट बड़ा बड़ा है। ये रेहान साहब का काम खाली यू यू करने का है, कैमरे को करके यू यू करने का है। इनको इसलिए लेके आया हूँ खाली कैमरे को देख के, कुछ देखते नहीं। मैं बता रहे लोग क्या हुआ, ये पैन बिस्किट के डैडी है। पहली बार देख रहे, डैडी मम्मी पापा चाचा छोड़
यही नहीं अभी और सुनिए कितना है अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा बेटा क्या कहा कॉम्प्लेट भी आता क्या ये बड़ा लंबा है चीनी को पिलाता हूँ कॉम्प्लेट खाना आज तुम्हें गाइस इन लोग को फाइन भी सेट है खाओ बोले तो लड़ लेंगे कुत्तर के चाले के से पूरा नीचे गिराएगा ये तो भाई हम ना अकेले नहीं थे वो ये फाइन बिस्किट आ खाएगा तेल में क्या मैं खाया मैं हिसाब से खाऊं देखो कहीं भी गिरे भाई साहब चीटिंग करता है तू हमारे रियान भाई के लिए एक चाय एक्स्ट्रा आ रही आई जाऊंगा फाइन बिस्किट आधा अकेला खा लियो सुनिए ना फास्ट फूड है अपने पास फास्ट चेन्नई एक्सप्रेस से भी फास्ट है वहाँ जाके पीछे पांडब्बा है आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पांडब्बे पे जाके एक दो पाना जबड़ों में रख लेना करके पान वान खा लेंगे यहाँ से निकलेंगे फिर थोड़ा आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे डिसाइड करता हूँ थोड़ी देर में अपने मूड के हिसाब से चलते बस डिसाइड करूँगा गाड़ी में बैठ ये रहे हमारे पान कल से ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहे थे यहाँ पे वो वॉचमैन के साथ वॉचमैन अंकल के साथ अंकल ड्यूटी पे हाँ ओके जाते हुए अरे बाप तो नंबर वन भुक्कड़ 40 पकड़ लो 40 किलोमीटर पकड़ लो आओ कभी आप लोग अभी चाय पीने के लिए यहाँ पर तो गाइस मैं पान खा लियो पूरे पाना खा लिए थोड़ा पॉच लैंग्वेज बोलना चालू कर दिया मैं चले एक काम कर 200 रुपए दे और ये देखो गांधी जी के तीन बंदर आए देखो ये रे क्या बोला इधर डंडा लेके मार दियो तेरे को क्या समझ जा रहे देखो ये बोट पढ़ लो कहाँ जा रहे बोले तो आगे जोगी पेट का तालाब है तो मैं अम्मू को बोला गाड़ी पलटा के लाइट तालाब में मारता हूँ एक 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 डुबकी मार ली है पूरे फ्रेश हो जाते तालाब में जाके नहाए तो हमारे चीनी में बोले भाई मेरे अंदर चड्डी नहीं है बोलते तो मैं बोला चड्डी मैं दे देता हूँ अपने पास एक्स्ट्रा चड्डियाँ हैं कार में कभी भी तो समीर भाई को बोला तो समीर भाई बोले ठीक है भाई बोले लेकिन हमारे अम्मू भाई का दिल डगमगा रहा भाई रात में कहाँ तालाब में उतरेंगे बोले डर के आगे जीत है इन लोगों को माउंटेन ड्यू तो नहीं पिलाया भाई चाय पिलाया था लेकिन और डर हो रहा है इन लोगों को चाय पिलाते की पीते की टैप मार देते तालाब में लाओ भाई क्या है अभी दो तीन महीने में शादी हो जाती मैं यहाँ एंजॉय नहीं कर सकते अब तालाब में से बच के आए तो क्या शादी कर ले सकते भाई बोल रहे वही शादी करना है ना वही जबान दे दी है नहीं फिर सकते ना मैं फिरूंगा इंशाल्लाह मेरी शादी हो गई सब हो गया बच्चे कच्चे सब हो गए अपने को बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की आपको ढूंढ रहे तालाब मिर रहा नहीं तो दे रहा है अब क्या है हम लोग जरूरतों को रुके फारिक हो जाते बेटा तुमसे ना हो पाएगा तीर भी नहीं सकते माइक लेके आया हमारा भाई तो गाड़ी अगर अपनी लेके गए तो फंस जाती है देखो धनो अगर फंस गई तो परेशानी अपने को हो जाती तो डोसा वड़ा फुंगुल ढुंगुल सब देख रहे थे तो अम्मू साहब फुंगुल खा रहे मस्त है शानाज भाई इडली खा रहे अरे चीनी देखो टप्पा बोलते चीनी तो हम लोग खा रहे देखो 2:30 हो रहे इडली अब घरों को जाने का टाइम है 3 घर को जाएंगे सो जाएंगे फिर क्या लाए पार्टी पार्टी का टाइम है मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्द से जल्द तो आप लोग आपके भाई के चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो अचानक चले गए भयानक हो गया का अल्लाह